अरे विधायक जी जी, भागने का रास्ता किधर से? अरे रास्ता रास्ता मत पूछिए सांसद जी, भागिए। अरे अच्छा खासा बच्चे नारा लगा रहे थे लेकिन भगा दिए आप। अयोध्या अरे गौ माता, अरे विधायक जी आप बताए नहीं कि गाय भी है गांव में, चारा ले आती। इतना स्लो आदमी हो तुम। गाय माता दया रखना हमारे ऊपर, सांसदी हमारे गोबर मत करना। जा रहे हैं अन्नदाता से मिलने, आशीर्वाद दीजिए कि हम भारी बहुमत से जीते। अयोध्या चलो चलो। अरे विधायक जी थोड़ा जल्दी कर लीजिए भाई, समय नहीं है आप। अरे ये देवी स्थान है? नहीं नहीं, बरम बाबा का स्थान है। अच्छा ये कौन बाबा होते हैं? बरम बाबा का है स्थान। अरे इतने देवी देवता हैं। अच्छा माफ करिएगा, आप नाराज मत हो, आप जो कोई भी हो आपको हम प्रणाम करते हैं। आप हमारी सांसदी फिर से कायम रखिए, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। बच्चे चले गए, नारा लगाने वाला कोई नहीं है, नौजवान आ नहीं रहे हैं, अन्नदाता से मिलने जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या होता है। लेकिन प्रभु जिसका नारा आप लगाए उसको कौन हरा सकता है? प्रभु आप तैयार रखें, चलिए थोड़ा जल्दी चल। अरे माता जी कैसे? बाप जी हम इलेक्शन में खड़ा आई, हम क्या बतवा दी हुआ क्या ये चुनाव की नहाय चश्मा, ठीक है याद रखबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा उनसे मिल ली जरा अन्नदाता से, आओ आओ सुनिए जल्दी आया चलो। राम राम भैया। राम राम। राम राम भैया। अरे क्या कर रहे हैं? अंधेरा है मोतिया बिंद तोरे दावे बा, देखत ना है गेहूँ काटत है। लगता है आप पहचाने नहीं, हम आपके सांसद। ओ पिछली बार आप जब 5 साल पहले आए रही तब वो हम गेहूँ काटत रहे, और आज आए हैं तब वो हम गेहूँ काटत है। कितनी बड़ी बात है, पहले भी गेहूं काट रहे थे आज भी गेहूं काट रहे हो। पता है श्रीलंका में भूखों मर रहे हैं लोग, ठीक है पाकिस्तान में तो भीख मांग रहे हैं, और अपने यहाँ कितनी अच्छी बात है, साल दर साल गेहूं काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। साल काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। मालूम है मजूरी से हमेशा कटवावत रहे ने, अब मजूर मजूरी 400 रुपया मांगा थे। अच्छा हाँ, तो हम कहें कि मजदूरी हम 400 रुपया न दे भाई, अपने भले काट लिए भाई, क्या लेकिन मजदूरी 400 न दिए। वाह वाह एकदम आप हमारी तरह, चाहे ऐसे ही हम भी किसान के बेटे हैं और आप ही की तरह जिद्दी, हम भी ठान लिए चाहे कुछ भी हो जाए सांसद ही नहीं छोड़ेंगे। अभी हम विधायक जी से कह रहे थे कि भाई चुनाव की जरूरत क्या है, भाई हम तो सेवा करने के लिए तैयार ही हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम सांसद रहें। अब बताइए आपका ये खेत है, आप इसमें गेहूं काटते हैं, अब आपके खेत में दूसरा गेहूं कैसे काट सकता है? वैसे ही हमारा ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र मतलब हमारा खेत है, हम इसके किसान हैं, अब हमारी जगह दूसरा कोई कैसे इसको काट सकता है? इसलिए सांसद हमको ही रहना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए, क्या कहते हैं आप? आप बहुत अच्छी बात बताए सांसद जी, लागत है कि हम हूँ तो बिछड़ा भाई जैसे। बिल्कुल भाई है, जैसे आप गेहूं काट रहे हैं वैसे हम भी 10 साल गेहूं काट चुके हैं, जैसे आपके अंदर सेवा भाव है वैसे हमारे अंदर भी सेवा भाव है कि नहीं? बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया। तो भैया मौके पा गया है, हम थकूगा है, ले भैया थोड़ा काटा तो। अरे काहे नहीं काटेंगे विधायक जी, जरा फोटो खींचिए। अरे हम काटे हैं पहले, हमको पता है, फोटो खींचना इधर से आओ, किधर से खींचो। हाँ ये खींच ले भैया खींच ले। अयोध्या अब हो गया हमारा। कब है भैया? अरे अब जाना है प्रचार में दूसरे गांव। प्रचार में? हाँ हाँ। ये कैसे काटे?
अरे अब मेरी सेवा हो गई है, आप अपनी सेवा जारी रखिए। अच्छा हाँ? तबे भाई के बहुत भाई भाई कहत रहे एक कटबो ना एक काटे पड़े तू है वे दो कौड़ी की इंसान हमसे मजदूरी करवाएगा चल पीछे। अगर हमका यश कहवा ना तब लगाओ गुहार अब गाँव वाले आएंगे तो कुछ बहु करी है अब कह दिया कि हमारे बहु काटे कहीं काटे नहीं ना। अरे विधायक जी जी भागने का रास्ता किधर से? अरे रास्ता रास्ते मत पूछिए सांसद जी भागिए। अरे कैसे नेता जी अरे ये भाग क्यों रहे हैं? विधायक जी तो बहुत गड़बड़ हो गया है भाई। 10 साल पहले तो पब्लिक इतना समझदार नहीं थी, अचानक पब्लिक इतना समझदार कैसे हो गई? सांसद जी मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस बार अपना माहौल नहीं है। विधायक जी कभी तो सकारात्मक सोच लिया करो, काम देख नहीं रहे हो कितना बमबम हो रही है, क्या माहौल बना हुआ है। कोई बोला कि हम आपको वोट नहीं देंगे? एक बताओ, एक कोई बोला हो तो। अरे सांसद जी हाथी के दांत दिखाने वाले और हैं और खाने वाले और हैं, ये आपको वोट देने वाले नहीं हैं। अरे विधायक जी जी कौन सी दुनिया में खोए हो? विधायक जी जनता जनता है, नेता नेता है। अभी तो ब्रह्मास्त्र बाकी है। ब्रह्मास्त्र? हाँ ब्रह्मास्त्र। अब ऐसी चाल चलूंगा विधायक जी कि जो मुझे वोट नहीं भी देना चाहता था ना वो भी मुझे दौड़ के वोट दे के आएगा। सांसद जी मैं समझा नहीं। अब मैं खेलूंगा धर्म का कार्ड, देखो अब कैसे मैं धर्म को खतरे में लाता हूं। जनता खुद खतरे में रह सकती है लेकिन धर्म को खतरे में नहीं देख सकती। अब अपनी सांसदी पक्की। मैं समझा नहीं सांसद जी। अरे अवधेश बाबू आप ना समझ ही बड़े अच्छे लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हम लोगों को प्रोत्साहन दीजिए। और हाँ दोस्तों अपने उम्मीदवार को जांचिए परखिए और सही उम्मीदवार को चुनिए, वोट देने जरूर जाइए।